तरफ खबर उत्तर प्रदेश से, जाति ना लिखो गाड़ी पर। यूपी में गाड़ियों पर अपनी जाति लिखकर चलाने वालों पर एक्शन शुरू हो गया। यूपी सरकार के नए आदेश के बाद ऐसी गाड़ियों के चालान कटने शुरू हो गए। किसी गाड़ी पर राजपूत तो किसी पर जाट, किसी पर ब्राह्मण। जितनी गाड़ियां उतनी जातियां। ऐसी गाड़ियां आपको सड़क पर चलते हुए अक्सर दिख जाती होंगी, जिनमें आगे या पीछे वाहन मालिक की जाति मोटे अक्षरों में लिखी होती है। लेकिन अब यूपी में वाहनों पर जाति लिखने के शौक पर लगाम लग गई है। गाड़ियों पर जातियां लिखने वाले अब नियम मानने की दुहाई दे रहे हैं। उम्र थी हमारी तो लिखवा लिया, अब आपसे कानून पता लगाया हमें। अब आपको कानून का पता लग गया है, अब आप क्या करेंगे? सिखाएंगे इसको, बिगाड़ेंगे क्या करेंगे? कानून का पालन करते हुए हम इसको निकाल देंगे, हटा देंगे, फिर और क्या करेंगे? सरकार जाकर तो झुकना ही पड़ेगा। यूपी में गाड़ियों पर जातियां लिखने से रोकने का आदेश यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के बाद जारी किया है। यूपी में जाति लिखी गाड़ियों को लेकर महाराष्ट्र के एक शिक्षक हर्षपाल प्रभु ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस शिकायती चिट्ठी को कार्रवाई के लिए यूपी सरकार को भेजा। उसी चिट्ठी पर यूपी के परिवहन आयुक्त ने ऐसे वाहनों को सीज करने के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार का कहना है कि इन गाड़ियों पर जाति लिखने से जो प्रतिस्पर्धा पैदा होगी उससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इस आदेश का फौरन असर यूपी में दिखने लगा है। ये तस्वीरें लखनऊ के थाना नाका हिंडोला में आने वाले दुर्गापुरी चेक पोस्ट की है, जहां पर वाहनों की चेकिंग के दौरान जाति सूचक शब्द लिखी गाड़ियों का चालान किया गया। लखनऊ की हजरतगंज बहुमंजिला पार्किंग में भी ऐसे वाहनों पर नजर रखी जा रही है। नंबर इस गाड़ी के सबसे पहले दिखाऊंगा, UP 32 JE 2234, और ये गाड़ी लखनऊ की है। ऊपर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है अरवी पंडित, मतलब कोई शख्स है जिसने अपनी जाति को इस गाड़ी पर दर्ज किया है। लेकिन अब ये काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा, क्योंकि साफ तौर पर परिवहन विभाग ने सभी RTO को ये निर्देश दिया है कि ऐसे जो भी वाहन मिलते हैं, कहीं सड़क पर चलते मिलते हों या खड़े मिलते हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। दो चार गाड़ियाँ आ जाती हैं जिनमें नाम और जाति दर्ज होती है। अच्छा। और रोज नहीं आती है सर, कभी कभी आती हैं। अच्छा, तो ऐसी गाड़ियों के ऊपर अब कार्रवाई की बात कही गई है, तो क्या अगर ये गाड़ियां आएंगी तो सूचना देंगे पुलिस को? बाहर पुलिस बूथ है आपके? जी जी हाँ, हम तुरंत सूचना देंगे। हालांकि यूपी सरकार के इस आदेश पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि BJP खुद ही जाति धर्म की राजनीति करती है और दूसरों को नसीहत देती है। कमाल की भारतीय जनता पार्टी भाई, खुद ही जाति धर्म की राजनीति करती है, खुद ही समाज को जाति धर्म में बांटती है और सत्ता पाना चाहती है। विकास की राजनीति तो करती नहीं है। हम तो कहते हैं गाड़ी पे ही क्यों? आप इस कानून ऐसा बनाइए कि कोई व्यक्ति जाति धर्म की राजनीति करेगा, जाति धर्म की बात करेगा, तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है, कम से कम बंद होगी, देश के अंदर में विकास की राजनीति शुरू होगी। यूपी सरकार के नए आदेश से न सिर्फ जाति की झूठी शान दिखाने पर रोक लगेगी, बल्कि सड़कों पर दबंगई की घटनाएं भी कम होंगी। ABP News आपको रखे आगे।